दोबारा नहीं। तो आज का ब्लॉग, यू रेडी? पढ़ेगा नमाज, चलो चलो पढ़ लो। हेलो जी, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं सारे लोग? होप सारे लोग फिट एंड स्ट्रांग होंगे। तो इस वक्त मैं हूँ अरमान भाई के रूम में, और ये जो लड़का है ना, तो भाई यहाँ पर है अयान मलिक। ये रोज सुबह सुबह मेरे को आ जाता आके, इसको बिशम बिशम करने को अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। यार बिशम बिशम, अरे बाप रे, हर दिन ये रोज आ जाता। मैं जाने के बाद ही मिस करेगा मेरे को। नहीं यहाँ आके जाके कहीं हूँ, बिशम बिशम करेगा आकर यहाँ पर रोज। आपको जाना है हैदराबाद? आपको जाना है? तो आज आज आ जाएगी ना पायल भाभी? तो जिस तरह से आप लोगों को पता है पायल भाभी को वोट कब मिले हैं या क्या क्या है मसला पता नहीं, तो पायल भाभी जो है ना घर वापस आ गई। उस घर से निकलकर ये असली वाले घर वापस आने वाली है बहुत जल्द। तो बने रहिए हमारे साथ आप लोग। तो गाइस, नहाते ही पहला काम मैं करता हूँ क्या, आइए बताओ। मैं नहाते ही पहले जो है ना यूज़ करता हूँ सीरम। जी हाँ, हेयर के लिए सीरम यूज़ करता हूँ फर्स्ट। हेयर सीरम के बाद हम करते हैं ये वाला, ये है वाटरमेलन प्री लाइटनिंग टोनर। जी हाँ, फर्स्ट। एंड ये है सेकंड विटामिन सी सीरम। एंड ये है मॉइस्चराइज़र प्लस सुपर लाइट विटामिन सी, थर्ड स्टेज। एंड इसके बाद हम करेंगे मॉइस्चराइज़र बॉडी के लिए, हाथ के लिए एंड फेस के लिए भी, और हमारी स्किन को। स्किन के साथ साथ हम ख्याल रखते हैं अंडर आर्म का भी, क्योंकि ये देता है हमारी अंडर आर्म को लाइटनिंग रोल ऑन। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया है। आप लोग ऑनलाइन से भी ऑर्डर कर सकते हैं, इसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है। मैं काफ़ी टाइम से ये यूज़ कर रहा हूँ। एंड लास्ट में बात आती है ये परफ्यूम की। ये परफ्यूम है हमारी बेटी रानी की, जो कि उनका फेवरेट है पिंक कलर, तो मैं लेकर आ गया था ये ऐसे ही उनकी याद में। तो बने रहिए, थोड़ी देर में हम जाते हैं टेरिस पर और जिम पर। किस तरह से सजाया गया है, किस तरह से सेट किया है अरमान भाई ने, वैसे रूम तो देख लिया आप लोगों ने नेक्स्ट ब्लॉग, लास्ट ब्लॉग में भी और इस ब्लॉग में भी। और मैं आप लोगों को लेके जाता हूँ जिम में, और जिम के बाद हम चलते हैं गार्डन में। तो बने रहिए, थोड़ी देर में मिलते हैं वहाँ। एक बहुत ख़ास काम था, वो आप लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है। वो काम ये है, ये देखिए। जी हाँ, सलाह, दुनिया के कोई भी कोने में जाओ नमाज मत छोड़ो। तो हय्याल-सलाह, ये जो लड़का है ना, ये लड़का मेरे पास आता ही नहीं, ना मेरे रूम में आता है। आज पहली मरतबा आया है, काफ़ी टाइम बाद। अरे अरे, आहिस्ता 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 भाई साहब, आहिस्ता आओ आओ, ले लो आ जाओ, ले लो आ जाओ। अयान भी इससे ही खेलता, नहीं इसको कुछ और चाहिए। अब मेरा है, मेरा नहीं बेटा, चलते चलने दे दो लड्डू, थोड़ा मिल रहे हैं लोग अभी। हाँ, फर्स्ट डे आया तो ज़रा नहीं मिल रहे थे। तो ये आ गई है हमारी छोरी, क्या कर दो? ये छोटी छोरी है, छोटी छोरी है। तू बरानी बाय बाय कर दो, जाओ। मैं क्या हो गया? क्या चाहिए उसको? स्लीपर जाय कर रहा है वो, जा अच्छा, अंदर रहा ना। अच्छा, बाय बाय बाय। तो ये है अरमान मलिक का जिम। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन सेटअप किया गया है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने घर पर जो है ना, पूरा जिम तो नहीं लेकिन एक सेटअप रखिए, बिल्कुल ट्रेडमिल का, या इसके अल्टरनेट में क्रॉस ट्रेनर का, या इसके अल्टरनेट में एक स्पिनिंग बाइक का, साइकिल का। इससे क्या होगा, आपकी एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है। काफ़ी लोगों का ये जानना, ये मानना, ये कहना होता है कि अरे हम घर का काम कर थक जाते हैं, ये एक्टिविटी नहीं है क्या? जी हाँ, वो बिल्कुल भी एक्टिविटी में नहीं आता है। आप लोगों को चाहिए कि थोड़ी देर एटलीस्ट आपकी बॉडी को चाहिए एक एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करने वाली एक्टिविटी, जो कि ये मशीनरीज से आती है, कार्डियो से भी आ सकती है। आप वॉक कर सकते हैं नॉर्मल, अगर आपके पास ट्रेडमिल नहीं है तो आप अपने छत पर वॉक कर सकते हैं और अपनी फिटनेस को बना सकते हैं मजबूत। नहीं, इसके बगल में जो है एक बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन भी बनाया है अरमान भाई ने, और मैं आप लोगों को लेके जाकर बताता हूँ कैसा लग रहा है, कमेंट करके बताइए भाई साहब। गाइस, ये है वो गार्डन जो अरमान भाई ने अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत ही खूबसूरत तरह से सजाया है, बनाया है। हैव अ लुक वंस, कैसा लग रहा है? ब्यूटीफुल। ये है एक्चुअल टॉप फ्लोर, 13 फ्लोर है ना ये, तो ये है 14 फ्लोर पे। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर है वो वाला था जिम, और ये वाला है गार्डन, और यहाँ का ऑलवेज माई फेवरेट ग्रीनरी, ब्यूटीफुल व्यू टॉप फ्लोर से। भाई, जिस तरह से आप सभी को पता है कि बिग बॉस वालों ने जो है ना पायल भाभी को घर से बेघर कर दिया है, लेकिन उनका जो परमानेंट घर है वो आ चुकी है।
जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग। और आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइए ये कि आप लोगों को जो है ना ये बिग बॉस का डिसीजन सही रहा या नहीं, क्योंकि मेरे को जो है ना एक बात ये समझ में आती है कि यूट्यूब की फैमिली, सोशल मीडिया की फैमिली माशाल्लाह से इतना बेहतरीन सपोर्ट करती है मलिक फैमिली को, तो ये बात कुछ हजम नहीं हुई मेरे को और आप सभी को भी। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का ये डिसीजन सही लगा या नहीं, आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो भाई मेरे साथ आ गया है अयान। अयान पढ़ेगा नमाज, चलो चलो पढ़ लो। चीकू भैया भी नमाज पढ़ते थे मेरे साथ, चलो तुम भी पढ़ लो। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ ठहरो, इधर ठहर जाओ, चलो जल्दी नमाज पढ़ लो, पढ़ो जल्दी। रमें पढ़ो, मैं पढ़ो, मेरे को चीज रहा है लड्डू। और यहाँ पर है गुड़िया रानी, चूबा रानी। अच्छा क्या 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 कक्का क्या बुझुम, चलो नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, चलो कक्का कक्का। क्या क्या काका, अच्छा देखो भाई यहाँ पर अयान भी जो है व्लॉगिंग कर रहा है। अच्छा तो ऐसे करते हैं व्लॉगिंग पापा, पापा ऐसे करते हैं। अच्छा पापा, पापा बदमाश है, बदमाश बहुत जल्दी कैच करते हैं, सिर्फ कैच हो गए। तो भाई अगर आप लोगों की दुआ होगी और सपोर्ट होगा तो मेरे पास भी जो है ना ये आएगा, ये जी हाँ ये आएगा डायमंड बटन। ये कितने लैक्स पे आता है, 20 मिलियन, 10 मिलियन, 10 मिलियन पे। तो मेरे पास है ये सिल्वर है, सिल्वर तो आ गया है, जैसे वहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, तो जिस तरह से वहाँ पर है ना भाई साहब, ये मैं भी चाहता हूँ कि मेरे वॉल पे भी लगे, ज़रूर इंशाल्लाह। अरमान भाई आने के बाद धूम मचा देंगे इंशाल्लाह, क्या भाई सही है ना? सही बात है भैया, धूम मचाओ और आप भी डायमंड बटन लेके आओ इंशाल्लाह। आर यू रेडी? चलिए 1 2 3 गो। ओहो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इसको निकालो लिफ्ट करो। अच्छा ठीक लो, मेरे लिए क्या है भाई, लाइट वेट है सब कुछ, 100-200 किलो उठा लेते थे। क्या हुआ? 100-200 किलो तो नहीं लेकिन काफी हैवी है, काफी काफी जो है ना हद से ज्यादा, 25-20 15 से 20 किलो के आसपास तो होगा आराम से। 20 किलो का लग रहा है मेरे को, ये करीब करीब होगा 100%। दुआ होगी तो ज़रूर ये भी आ जाएगा हमारे पास, ऑलरेडी हमारे घर पे है ये, लेकिन ऐसे आते जाएंगे हर किसी के पास। हमारा एक और आने वाला है। अच्छा जी हाँ। एक ही बात है ना। चलो गाइस फिर मिलते हैं कुछ नए के साथ, नया लेकर, इसलिए कहता हूँ फिट रहिए। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर आएंगे कुछ नए के साथ, नया लेकर, इसलिए कहता हूँ फिट रहिए, जब तक रहिए।